विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल आज ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने पुराने रेलवे स्टेशन के निकट मोटर मार्ग पर डामीकरण में हुई अनियमितताओं को लेकर नाराजगी व्यक्त की। साथ ही रेलवे विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई और फोन पर DRM मुरादाबाद को निर्देशित करते हुए 3 दिन के अंदर डामीकरण में हुई अनियमितताओं की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। ऋषिकेश से सपना पांडे की रिपोर्ट। देखिए, बड़ा दुखद विषय है कि 4 महीने पहले एक रोड बनती है रेलवे स्टेशन के ठीक बगल में, आपने देखा है, अभी मैं आपके साथ मैंने मुआयना किया है क्या हालत उस रोड की बनी। और जैसा मुझे यहाँ के इंजीनियर जो मिस्टर दीपक शर्मा है, उनसे जब मैंने पूछा कि ये कब बनी, कि 4 महीने पहले बनी, कितनी इसकी लंबाई है, उन्होंने 750 मीटर बताया आपके सामने। मैंने कहा इसमें कितनी लागत लगी, टोटल कॉस्ट उसमें और कुछ अन्य चीज़ों का भी उन्होंने जोड़ा है, उसमें 2 करोड़ की लागत से वो काम हुआ। मैंने कहा इस पर्टिकुलर रोड का आप बताइए कितना इसमें लागत लगी, उन्होंने लगभग 30-35 लाख लगा हुआ। मेरे हिसाब से रोड 300 से 350 मीटर हो सकती है, हो सकता है अप्रोक्सीमेट मैं कह रहा हूँ, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है। मेरे यहाँ यदि मैं अपने विधायक निधि से रोड बना, जिसमें हमारे लोग बहुत चर्चा करते हैं, उस रोड की कीमत आज की तारीख में 350 मीटर रोड का लगभग 10-12 लाख में वो जो है रोड बहुत बढ़िया बन जाती है, सालों चलती है। या PWD से बनाए तो 15 लाख की बनेगी, 16 लाख की बनेगी, उसका जैसा उनकी कॉस्ट है उस हिसाब से बनाए। आज भी मेरे विधानसभा क्षेत्र में अनेकों ऐसी रोड हैं और मैं सौभाग्यशाली हूँ, मेरे क्षेत्र की एक एक रोड आज जो है चमक रही है। जनता में ये संदेश है कि ऐसी रोड पूरे और अन्य क्षेत्रों में नहीं, और गाँव तो लगते नहीं, गाँव जैसे शहर जैसे लगते हैं। और सबसे बड़ा दुखद पहलू क्या है, इनसे जब पूछा कि भाई खराब कैसे हो गई, तो उन्होंने कहा था बारिश हुई। तो क्या बारिश इसी पर्टिकुलर एरिया में हुई, बारिश तो पूरे क्षेत्र में हो रही है। यानी कुल मिला के मुझे तो ऐसा लगता है कि जनता की गाढ़ी कमाई का ये दुरुपयोग मैं ही कह सकता हूँ। और मेरा व्यक्तिगत मानना क्या है, मेरा व्यक्तिगत मानना है, वैसे तो सभी विभाग से हम अपेक्षा करते हैं कि क्वालिटी वाला काम करें, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, ब्रिज हो गए, NH हो गई, NHI हो गई, ये बड़े बड़े विभाग या इस प्रकार के जो भी अन्य विभाग, मैं छोटे विभाग की बात नहीं करता, सबसे गुणवत्ता की बात हम अपेक्षा करते हैं कि वो गुणवत्ता पर काम करेगा। और उसके बाद फिर वो चलिए कुछ तो समय, उसकी समय सीमा निर्धारित होती है कि 10 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, 20 साल चलेगा। अभी NHI जो बन रही है उसमें क्या है, जो ठेकेदार काम करता है उसको बताया जाता है 3 साल तक आपके इसमें जरा से भी रिपेयर नहीं हुई गड्ढा होगा तो आपको उसको पुट्टी करनी। 3 महीने पहले आपकी रोड बनती रहा, उसकी हालत यह है कि मेरे अनेकों लोग वहाँ पे चोटिल हुए, सरिया दिख रहा है, गड्ढे दिख रहे हैं, बजरी वैसी दिख रही है। अभी मैंने इनके और बड़े इंजीनियर से बात की, उन्होंने कहा साहब हम रिपेयरिंग करा देंगे। फिर मैंने इनके DRM से बात की, उन्होंने कहा रिपेयरिंग करा देंगे। तो रिपेयरिंग सोल्यूशन नहीं है, मैंने कहा एक व्यक्ति हमारा मर गया तो वापस तो आने से रहा, अन्य व्यक्ति जो चोटिल हुए उनका जो हाथ टूट जाएगा तो वो कहीं ठीक है हड्डी जुड़ जाएगी, लेकिन वो हड्डी जो जैसी थी वैसी तो नहीं रह जाएगी। मतलब कुल मिला के इतने लोग चोटिल हो रहे हैं, इतनी बुरी हालत यहाँ की है। और मैं फिर एक बात भी कह रहा हूँ, मैं इनके पक्ष की भी बात कर लूँ, यदि ये ही 1 महीने पहले इसकी ठीक ठाक कर देते मरम्मत या ठेकेदार को कह देते तो शायद हमारे कुछ जो लोग चोटिल होने से जिनको दुखद स्थिति उनकी हुई वो तो बच जाती। तो मैंने आज इनसे कहा 3 दिन का मैंने इनको टाइम दिया, 3 दिन में ये क्या कार्रवाई कर रहे हैं, बार बार एक ही बात कर रहे हैं रिपेयरिंग, रिपेयरिंग तो होगी, रिपेयरिंग विषय नहीं है, विषय है कि 4 महीने 35 लाख में 750 मीटर दिखाई की रोड जो 350-350 मीटर है, जो खाली बरसात का बहाना करके आप कह रहे हैं खराब हो गई, उसको यदि ये इस प्रकार से करें, मैंने 3 दिन DRM को दिए हैं, क्या कार्रवाई आप कर रहे हैं करिए, क्योंकि ये मोदी जी की सरकार है, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये काम करने वालों की सरकार है, निकम्मे लोगों के लिए ये हमारी सरकार में कोई जगह नहीं है। इस प्रकार का कोई भी इसमें यदि कोई लापरवाही बरती गई है, कोई भी इसमें गड़बड़ हुई है, तो निश्चित रूप से हम उसके आगे की बात 3 दिन बाद फिर हम करेंगे। क्या 3 दिन तक लोग इसी सड़क पर चलेंगे? नहीं, हमने वैकल्पिक मार्ग के लिए कहा है ना, मैं वैकल्पिक मार्ग के लिए मैंने कहा है, अभी स्टेशन मास्टर को कहा है कि आप उसे खोलिए। और क्योंकि वैकल्पिक मार्ग सिर्फ इसलिए क्योंकि यदि 3 दिन तक जब तक ये कुछ स्थिति ऐसी नहीं बनती है, ऐसी स्थिति में और लोग चोटिल होने से बच जाए, ये मैंने कहा है। और इन्होंने कहा कि साहब उसे काटना पड़ेगा, अरे भैया लाखों रुपए तुमने ऐसे वैसे कर दिया तो 10-20-500-700 रुपये लगे, मैं दे दूंगा कोई कटिंग वटिंग के लिए, मैंने कहा है। लेकिन हमारे लोग चोटिल नहीं होने चाहिए, उनको आप दुरुस्त करिए और विभाग की सीधी जिम्मेवारी बनती है जनहित में कार्य करें। सर, हम जनता के लोग हैं, हम जनप्रतिनिधि लोग हैं। आज से पहले भी DRM को मैंने कहा कभी आप आते हैं बताइए, हमारी जनता बताइए, हमें यहाँ की कमियां बताइए। यहाँ दीवार एक है यहाँ पे बनखंडी के पास, ये कब बनी थी, अनेकों बार यहाँ पे बता दिया गया, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने बताया उनको कि साहब मुझे जानकारी नहीं, एक तो बड़ी भी समस्या ये होगी
कि आज एक अधिकारी आता है, कल को दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है। विभाग की जिम्मेवारी है, एक व्यक्ति की जिम्मेवारी नहीं है, कंटिन्यूसली होता है विभाग। वो काम उस टाइम उनके फाइल उनके सामने आ जानी चाहिए। उनको मैंने कहा ये तो आपके विभाग की जिम्मेवारी, हमारी जिम्मेवारी नहीं है। फिर भी उसे मैंने कहा कि लोग फिर उसके गिरने से, क्योंकि बरसात भी हो रही है और वो डैमेज स्थिति में है, उसको ठीक कर तरह से उसको तोड़ के या जो भी इनके यहाँ व्यवस्था है, और वो तो बढ़िया है, अतिक्रमण उससे बच रहा है। आपकी दीवार गिर गई, अतिक्रमण हो गया, फिर कौन जिम्मेवार होगा? फिर आप उस तरह से करेंगे जैसे पहले तो अतिक्रमण कराते हैं, फिर उस पर आप कार्रवाई की बात करते हैं। तो ये जो स्थिति है विभाग की, ये चिंताजनक है, दुखद है, मैं इसको दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। सर, ये आपके संज्ञान में कब आया मामला? ये मेरे तो संज्ञान में, भाई साहब मैं तो रोज ही इसी रोड पे चलता हूँ, क्योंकि आप यही सवाल करेंगे मेरे से, डिमरी साहब है ना। हाँ, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मेरे संज्ञान में आया है, और मेरे संज्ञान में आया तो पहले तो मैं ये सोच रहा था कि शायद हमारे विभाग के संज्ञान में भी आ जाए। जब इनकी संज्ञान में नहीं आया तो मैंने, क्योंकि मैं बहुत दिनों से इस फिराक में था, लेकिन व्यवस्था के कारण शायद मेरे दो चार पांच दिन लेट हो गया। कहीं आप कहेंगे साहब पहले से आपने क्यों नहीं किया, क्यों मुझे थोड़ा डिमरी साहब आपसे डर भी लगता है। तो बस इसीलिए मैंने कहा है कि ये जो है आज इसको करना ही चाहिए, ये मैंने 3 दिन का टाइम इसलिए।